हेलो बच्चों, फिर से हम स्टार्ट करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मोलैरिटी वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी, बच्चों हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या आपका, वो है बच्चे परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बच्चों दो चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बच्चे आपको देखना है कि ये चीज़ें क्या हैं, इनमें क्या कुछ है। तो बच्चे ये एक सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन, जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन है, इसका मतलब है कि कोई भी एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन टोटल बच्चे एनी एलिमेंट जो प्रेजेंट है, ये हम इसका कर देते हैं एनी एलिमेंट मास प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल। जो टोटल मॉलिक्यूल का मास है, उसके अंदर इसका कितना मास है, वो क्या है बच्चे परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे बच्चों मैंने यहां लिख दिया है CH3OH लाइक मिथेनॉल। अब बच्चे जो मिथेनॉल है, इसका जो टोटल मास है वो कितना होता है बच्चे 32 ग्राम। अगर बच्चे इसके अंदर मैं बात करता हूँ, लाइक जैसे इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप के एलिमेंट है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछता है परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, मिथेनॉल के अंदर कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो बच्चे आपको क्या करना है, अब आपको परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले हम इसका टोटल मास कितना दिया हुआ है, अब जैसे इसका 32 होता मोलर मास, अब आपको रियल मास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यही आपका मानो रियल मास। तो बच्चे इसका जो है कार्बन का नॉर्मल कितना होता है 12 ग्राम, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे, 12 बाई 32 इंटू में 100। तो बच्चे जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चे 37.5%। और बच्चे अगर हम कार्बन का करें, इसका हाइड्रोजन का करें, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1। अब बच्चे ये 1 है, ये देखो हाइड्रोजन टोटल इसके अंदर 4 है, तो हम इसमें 4 ले लेंगे, क्योंकि 1 का 1 होता है 4 डिवाइड बाई 32 इंटू में 100। तो ये कितना होगा, 8 पे चला जाएगा। तो बच्चे इसका कुछ आएगा आपके पास 12.5%। अब इससे बात करें ऑक्सीजन वाले पे, ऑक्सीजन बच्चे है इसका 16 डिवाइड बाई 8, तो बच्चे कितना है 50%। तो बच्चे ये चीजें हैं आपके परसेंटेज कंपोजिशन। ये आपसे पूछ लेता है कि किसी मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट कितने परसेंट है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे ये था आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये क्या होता है। अब बच्चों हम बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो बच्चे हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको क्या होगा बच्चे, आपको कोई भी चीज दी होगी, जैसे कि आपके पास मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कोई मॉलिक्यूल है, उसके आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मास दिया होगा और कहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। जैसे मानो कार्बन है, कार्बन का लाइक आपको दे दिया 37.5%, इसका दे दिया 12.5%, लाइक इसका दे दिया 50%, ये आपको दे दिया, इसकी परसेंटेज दे दी, ठीक है। ये आपको परसेंटेज और कह रहे कि ये इसके परसेंटेज आपको क्या बताना है, इसका एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है और दूसरा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेता है, दूसरा पूछ लेता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेता है, या तो इसमें पूछ लेगा या क्या करेगा,
ये आपको इतना दिया, तो कहेगा टोटल वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, मान लो ये है जो यही वाला, इसमें मैंने आपको देता लाइक 64 ग्राम, ये परसेंटेज दी गई इसका 64 ग्राम दिया। इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है और इंपेरिकल फॉर्मूला। तो जब हम बात करें सारों से पहले इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चे, इट इज दी रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो कितना है, उसे हम बच्चे क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई भी एक एक्स वाई जेड मॉलिक्यूल था उसके अंदर, जैसे मान लो ये था, इसमें हम बताएंगे कार्बन के कितने एलिमेंट हैं, क्या रेशियो है, हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन का कितने, सिंपल रेशियो, यानी जिसमें क्या सारे से कम हो वो क्या हो जाता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बच्चे जैसे हम इस वाले में बात करें, तो सारों से पहले आपको परसेंटेज दी गई है। तो बच्चे जैसे मैं आपके पहले अर्लियर वीडियो में एक चीज डिस्कस कर चुका हूँ, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चे ये है आपका मास बाई मास या वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सारों से पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे इसके, जब मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन का कितना है 37.5%, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 37.5 ग्राम, तो टोटल हमने कितना माना 100 ग्राम। तो बच्चे ऐसे ही जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 12.5% है, तो 12.5 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों 50% है, यानी कि 50 ग्राम, ये इसका हुआ। तो बच्चे अभी नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक मोल निकालेंगे, तो मोल हो जाएगा हमारे पास 37.5 डिवाइड बाई कार्बन का मोलिकुलर मास, एटम है तो एटम मास 12, 37 को बच्चे 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो बच्चे ये आएगा 3.1 मोल, कितना आएगा 3.1 मोल। और बच्चे जो ये है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है, इसके मोल निकालेंगे, तो बच्चे हाइड्रोजन दिया हुआ है 12.5 ग्राम डिवाइड बाई, अब बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितना 1, तो कितना आ जाएगा 12.5। अब बच्चे कौन सा बच्चा हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होगा सेम 50 डिवाइड बाई 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो बच्चे करेंगे कितना आएगा 3 पे जाएगा अराउंड 3.1 मोल। हमारे पास बच्चे कुछ ये आ गया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3.1 मोल कार्बन, 12.5 मोल हाइड्रोजन और 3.1 मोल ऑक्सीजन। अब बच्चे ये तो क्या हुआ इसका आया, अभी भी ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चे इसको मैं जैसे ही रब कर देता हूँ, तो जब मैं बात करूँ यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है बच्चों, इनमें से ऐसी कोई चीज जिसमें तीनों डिवाइड हो जाएं, ऐसी कोई चीज जिसमें तीनों ही डिवाइड हो जाएं, वो क्या है इसका सिंपलेस्ट रेशियो, वो क्या होगा सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास कार्बन के यहाँ है 3.1 मोल, हाइड्रोजन के आगे 12.5 मोल और ऑक्सीजन के आगे 3.1 मोल, तो अब मैं क्या कर देता हूँ सभी को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 3.1, ये भी 3.1 से, ये भी 3.1 से, तो क्या होगा, तो बच्चे ये 3.1 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 1 मोल, ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा अराउंड 4 मोल, और ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो बच्चे यहाँ पर हमारे सिंपल कितना आ गया, यानी कि कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना हो गया
सौर ऑक्सीजन कितना हो गया 1। जो बच्चे ये है हमारे पास, ये है या इसको हम ये लिख सकते हैं CH4O। जो ये है ये क्या है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या है ये है बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला। ये आपसे पूछा जाता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या है। जनरली एमसीक्यू जिसमें ज्यादा आते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने पे। अभी बच्चे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में गिवन किया था, वहां मैंने अकेला इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया था, साथ में मोलर मास भी दिया था। ये जैसे ये तो हुआ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास दिया था, यानी कि इसका आपसे क्या पूछ लेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, आपसे वो क्या पूछ लेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रब करते हैं। तो देखो अब बच्चे जो ये है इसका पहले हम क्या कर लेंगे, इसका मास निकाल लेंगे, इसका टोटल का क्या निकाल लेंगे मास। तो बच्चे कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है 12 + 4 + 16, कितना आ गया, कितना 32 ग्राम, कितना 32। अब बच्चे हमारे को स्टार्टिंग क्वेश्चन में कितना गिवन था, गिवन कितना था, गिवन था बच्चे 64 ग्राम। तो बच्चे हमें क्या करना है, जो गिवन हो उसको इस मास से क्या कर देंगे डिवाइड। तो बच्चे क्या होगा 64 / 32 कितना आ गया 2। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो ये टोटल है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2 × CH4O ये करेंगे तब ये क्या बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो करेंगे तो कितना आएगा C2H8O2 ये। अब बच्चे इसको वैसे ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसको मैं एक और भी लिख सकता हूँ, तो वो क्या लाइक CH3OH, ये जाना पहचाना लग रहा है, ये सब क्या बोलते हैं मिथेनॉल, यही मैंने दिया था ठीक है। ये क्या है मिथेनॉल, ये मैंने आपको दिया था। अब बच्चे जो ये बना, ये क्या बना आपका 2 × CH3OH, इसको इथेनॉल मत बोल रहे, ये याद रखना, क्योंकि जब इथेनॉल आएगा तो उसके अंदर थोड़े से हाइड्रोजन में फर्क पड़ जाता है ठीक है। तो अब हम बात करें, जैसे अगर इथेनॉल तो आपका ही होता है CH3CH2OH, इसमें कितने हो गए 3, 2, 5 और 1 6, इसमें कितने हैं 3, 6 और इसमें एक ज़्यादा है क्योंकि इसमें 8 हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब कार्बन कार्बन बॉन्ड आते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था ये है आपका इथेनॉल, आप इसको इथेनॉल मत बोल देना ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं, कभी आप फ्लो फ्लो में इथेनॉल बोल दो ठीक है। तो बच्चे ये क्या बना डबल यूनिट ऑफ मिथेनॉल। तो बच्चे ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कि हम कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं ऐसे ही सॉल्व होंगे, उसमें कुछ घबराना नहीं है ठीक है। और जो बचा इसका नेक्स्ट टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।